हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एक ब्रांड के साथ। वो आगे बताऊंगी किसके साथ। एक्चुअली मैं ना लंबे टाइम से यूज़ कर रही थी डव के शैम्पू एंड कंडीशनर, बट मेरी इतना हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ हो रहा है, आई डोंट नो, या तो विंटर के कारण हो रहा है। तो मुझे था कि चलो मैं चेंज करती हूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे पर। तो मैंने एक नए ब्रांड के प्रोडक्ट्स लिए हैं एंड मैंने उसमें ना शैम्पू और कंडीशनर दो लिए हैं और दोनों को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 टाइम इसे यूज़ किया। मैं वीक में कई बार तो 2 बार वॉश कर लेती हूँ। ज़्यादा बिजी हैक्टिक डे होता है ना, तो फिर मैं एक बार ही वॉश हो पाता है कई बार, बट ज़्यादातर मैं 2 बार ही करती हूँ। तो मैं 2 बार इसे वॉश कर चुकी हूँ तो मुझे तो अच्छा लगा। यूँ नहीं कहूँगी कि हेयर फॉलिंग रुक गई, बट हाँ मतलब फ़र्क है थोड़ा, मतलब ऐसे हल्के हल्के स्मूथ लगते हैं बाल। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ब्रांड है ट्रूथसम ब्रांड है। सो उसके 2 प्रोडक्ट मैंने लिए हैं, एक शैम्पू है एक कंडीशनर है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसका शैम्पू दिखाती हूँ, और वैसे मुझे पर्सनली ना इसका कंडीशनर बहुत अच्छा लगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार शैम्पू दिखाती हूँ। तो जो शैम्पू है, पहले तो आपको ना पैकिंग दिखाती हूँ। इस तरह के ना वाइट कलर में इसका पूरा ये आता है शैम्पू एंड इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है। देन ये ब्रांड है ट्रूथसम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई थिंक सही होगा, इसमें क्या सही है। तो ये ब्रांड है एंड ये शैम्पू है, काफ़ी बड़ी बोतल आती है एंड इसके ऊपर जो लिखा है वो एंटी फ्रीज शैम्पू है, शिया बटर इन्फ्यूज विद कैरेटिन प्रोटीन है इसके अंदर। कैरेटिन जो लड़कियाँ करवाती हैं वो इसमें मिल जाएगा आपको, एंड टेंगल करता है, फ्रीज करता है बालों को, फ्री करता है सॉरी, एंड कंट्रोल करता है फॉल अवेज। ये जो कंट्रोल करता है ना फॉल अवेज को, मतलब बालों को झड़ना जो रोकता है, इस वजह से मैंने इन दोनों को लिया है, शैम्पू एंड कंडीशनर को। क्योंकि होता ना कि किसी शैम्पू पे या कंडीशनर पे लिखा होता है कि वो बाल झड़ने रोक देगा, तो हम ले ही लेते हैं, हमें पता चला हमारे इतने झड़ रहे हैं तो हम ले लेना प्रोडक्ट को। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया है एंड इसमें ना कुछ भी ऐड नहीं है, ना सिलिकॉन। ये हमेशा मैं चेक करती हूँ, चाहे स्किन केयर हो चाहे हेयर केयर हो, सिलिकॉन सल्फेट फ्री पाबन फ्री है, बिल्कुल फ्री है एंड ये अप्रूव्ड है डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, मतलब लाइक ठीक है। एंड सो बेसिकली चलो मैं MRP भी बताती हूँ इसका। इसके ऊपर 599 मेंशन है, 599 इसके ऊपर, एंड इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ इस पर मेंशन है, जो कि 25 में होगी, अभी 22 चल रहा है स्टिल। एंड सो डायरेक्शन फॉर यूज़ वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह की बोतल आती है, तो बेसिकली हम डायरेक्शन तो भाई सेम रहती है, बट कई होता है कि डायरेक्ट यूँ पंप निकाला शैम्पू एंड डायरेक्ट अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे ना क्लिप ऐड कर देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है शैम्पू। तो शैम्पू आपको अप्लाई करना है, आपको एक मग लेना है, उसमें पानी डाल के फिर शैम्पू जितना आप लेना चाहते हो क्वांटिटी उतनी आप ले सकते हो। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता करते हैं हम ताकि जो शैम्पू में केमिकल होता है वो डायरेक्ट आपके बालों पर हार्म ना करे आपको। तो वो पानी में मिक्स होकर ना थोड़ा केमिकल ऐसा लगता है कि कम हो गया, पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सो मैं पानी पे मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्सचर बना के देन वो अपने बालों पे लगाती हूँ। और बालों की रूट्स में अप्लाई करो शैम्पू, अपनी लेंथ में मत अप्लाई किया करो। जब आपने ऑयलिंग की हो तो करना ही पड़ता है, देखो ऑयल निकालना है। अगर ऑयलिंग नहीं की हुई तो ना रूट्स में अप्लाई करके फिर उसी जो शैम्पू यहाँ गया वो शैम्पू यहीं से होके निकलेगा, ऑब्वियसली आपके बालों की लेंथ से होके निकलेगा। तो वो आपकी जो ये जो लेंथ आपकी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो अलग से इस पर मत डाला करो, ठीक है। तो यहाँ मैंने नॉर्मली पहले शैम्पू यूज़ किया और उसमें पानी में डाल के अच्छे से मिक्सचर बना के उसको काफ़ी देर तक मसाज करनी होती है तभी वो काम करेगा, है ना। कम से कम 1 या 2 मिनट या 3 मिनट, जितना आपके ऑयली है तो आपको 2 बार भी लगाना पड़ता है कई बार शैम्पू। एक बार मैंने तो एक बार ही लगाया था, एक बार में मेरा काम हो गया, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा ऑयली, वैसे तो ऑयल लगा हुआ है बट मैंने शैम्पू पहले ज़्यादा डाल लिया था। तो ये करने के बाद सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है कंडीशनर। उसकी भी पैकिंग कुछ इस तरह ट्यूब पैकिंग में आता है, ये वाला वो पंप डिटेलिंग में आया था शैम्पू और ये ट्यूब पैकिंग में आता है। ये भी इसकी पैकेजिंग में बहुत अच्छी है, इसीलिए सब कुछ इस पर मेंशन है। सेम चीज़ एंटी फ्रीज कंडीशनर, शिया बटर इन्फ्यूज विद कैरेटिन प्रोटीन है और ये टैंगल एंड फ्रीज फ्री है, कंट्रोल्स फॉलवेज करता है, सिलिकॉन वगैरह पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी एंड अप्रूव्ड है अगेन। सो सेम ही ब्रांड है। तो ये जो हम करते हैं यूज़, सबसे पहले ये होता है कुछ ना कंडीशनर को यूज़ करते हैं बालों की रूट्स में, तो बालों की रूट्स में कभी भी यूज़ मत करो आप, क्योंकि इस पर ना वैसे तो मेंशन ही होता है, जिसमें मेंशन हो ना कि आप बालों के रूट्स में अप्लाई कर लो, मैं कहूँगी तब भी मत करो आप, मत करो आप, सिर्फ बालों की लेंथ में अप्लाई करो। तो कैसे करना है, वैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, इस तरीके से हैंड पे, अपने फुल हैंड पे, पाम पे आपको इसे स्प्रेड करके देन आपकी बालों की लेंथ से इसे होके लेके जाना है, रूट्स में नहीं लगाना। और जब आप इसे मतलब बालों की लेंथ में लगा लोगे, अच्छे से आपके लग जाएगा, उसमें समा जाएगा, तो जो बाकी हाथ होते हैं ना हमारे थोड़े बहुत, वो बालों में ना चला दो, ऐसे फिंगर्स बीच में से निकालते हो ना,
चला दो बालों में से, तो वैसे भी बाल वो सिल्की हो जाते हैं, बट रूट्स पर नहीं जाना चाहिए आपका कंडीशनर, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से ये मैंने यूज़ कर रही हूँ। तो करंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर, तो इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। उसके बाद आप 10 मिनट रख लो, 5 मिनट रख लो, 15 मिनट रख लो, कुछ 15 मिनट रखते हैं, 10 मिनट रखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो 5 मिनट रखो, कंडीशनर सफिशियंट होता है। 5 मिनट के बाद आप वॉश कर लो अपने बालों को, और फिर नॉर्मल गीले टावल से जैसे सुखा लो इसको, और एयर ड्रायर करो नॉर्मल, वो हीट वाला ड्राई मत करो। या मैं इस तरीके से करती हूँ। तो अभी मेरे बाल जो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई हीट प्रोटेक्टर या फिर हीट लाइक ड्रायर वगैरह कुछ स्ट्रेटनर कर्ल वगैरह यूज़ किया, कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल मेरे बाल हैं, ऐसे कर्ल्स अपने आप आ जाते हैं जैसे अपने बन बना लेते हैं ना, तो ये नॉर्मल बाल है मेरे इस तरीके से। तो देख सकते हैं हेयर फॉलिंग यहाँ पे स्पेस है ना ये वाला, ये इसको कवरअप करने के लिए मैंने ब्रांड को चेंज किया है। आगे और देखते हैं कैसा प्रोडक्ट काम करता है, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा ये वाला, मैंने 2 बार ट्राई करा है। जल्दी फिनिश कर दूंगी इसको भी मैं। तो ये प्रोडक्ट है। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो उसका जो गूगल डॉक्यूमेंट का जो लिंक है ना, वो मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। पहले अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ लेना कि प्रोडक्ट क्या है। बाय द वे मैंने आपको बता दिया जो चीज़ जाननी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी आपको जानना है तो वो लिंक दे दूंगी, और प्लस इस प्रोडक्ट्स का भी लिंक दे दूंगी अगर आप ये चेकआउट करना चाहते हैं। आप आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम है, आपके फ्रीजी हैं बाल, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, तो आप इनके लिए जा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हम हर ब्रांड को ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली हम ट्राई करने पे बता सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है, तो आप ट्राई करें। ऐसा नहीं होता कि हमने इस ब्रांड के बारे में सुना नहीं, हम क्यों ट्राई करें, तो भाई ट्राई करने पर पता चलता है चीज़ें। तो इनमें कोई जहर या कोई ऐसा कुछ नहीं मिक्स करा हुआ, तो नॉर्मली शैम्पू एंड कंडीशनर है। ये है, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। करंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप भी ले सकते हैं। दैट इज़ द टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड अगर वीडियो पसंद आती है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू, बाय।